नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इज एट अ डिस्टेंस एक्स वन एंड एक्स टू फ्राम द मेन पोजिशन आर वी वन एंड बी टू रेस्पेक्टिवली हमें बताना है टाइम पीरियड क्या होएगा और हमारा आंसर होना चाहिए वी वन बी टू एक्स वन एक्स टू के टर्म में अगेन सिंपल सवाल है सवाल कुछ इस प्रकार है uh, इसको हम यहाँ पर एक रिलेशन यूज कर सकते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रिलेशन को अगर हम यूज़ करें तो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि जब पार्टिकल की लोकेशन x1 है तो वेलोसिटी v1 है अच्छा इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई दूसरी क्वेश्चन है वी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर यह आपकी सेकेंड इक्वेशन होएगी ना हो Now, हमें यह बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा टाइम पीरियड निकालने के लिए अच्छा यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं uh, कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गड़बड़ कर देते हैं उस डिवाइड करने से आपका ओमेगा उड़ जाएगा ओमेगा उड़ने के बाद एक का रिलेशन आ जाएगा उसको वहाँ पर जिसर्ट करते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा अपने को टाइम पीरियड बताना है टाइम पीरियड हमें पता है टू पाई बाय ओमेगा होता है हमें बस ओमेगा की वैल्यू बतानी है तो इस वाले केस में हम करेंगे इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू माइनस कर दें इसको माइनस करेंगे तो ओमेगा इंटेक्ट रहेगा और ए स्क्वायर की सुपारी हो जाएगी ए स्क्वायर उड़ जाएगा तो उस केस में अगर वन में से हम टू माइनस कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बना यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन रहेगा ए स्क्वायर अंदर उड़ जाएगा इसमें से आप जब इसको माइनस कर रहे हैं तो ये बनेगा एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर ये आपकी ओमेगा की टर्म वैल्यू इसमें से आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर ओमेगा इसका अंडर रूट लेके आ जाएगा ना टाइम पीरियड अपने को पता है टू पाई बाय ओमेगा होएगा सो so, इस केस में हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ इसका उल्टा कर देंगे हम एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर डिवाइड बाय वी वन स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर ये आपके टाइम पीरियड की वैली हो जाएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर